आयुर्वेद में स्वास्थ्य के साथ साथ सौंदर्य एवं चिर यौवन प्राप्त करने के लिए भी चमत्कारिक नुस्खे दिए गए हैं। उदाहरणार्थ च्यवनप्राश, त्रिफला, त्रिकट्टू इत्यादि। त्रिकट्टू चूर्ण काली मिर्च, पीपली तथा सौंठ का संभाग मिश्रण है। ये मनुष्य की कई प्रकार की व्याधियों बीमारियों का शमन करता है, जैसे पेट दर्द, भूखा न लगना, अपचन, पाचन शक्ति कमज़ोर, अजीर्ण, पेचिश, पेट में गैस, पेट के कीड़े, सूखी खांसी, जुकाम, कंठ रोग, आमवास, सिर दर्द, श्वास रोग, हृदय रोग, हिचकी, दांतों के रोग, मरोड़, जीर्ण, अतिसार, उदावर, अर्श, प्रसव कष्ट, मासिक पीड़ा, सूती का रोग, बाल रोग, विषम ज्वर, मोटापा, साइटिका इत्यादि। यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण में रखता है। यह शरीर में बल प्रदान कर कामोत्तेजना प्रज्वलित करता है, मोटापा घटाता है। इसका चूर्ण बनाने के लिए काली मिर्च, लौंग, पेपर और सौंठ को सुखा कर उसको अच्छी तरह से पीस लेते हैं और कपड़ छान करके किसी कांच की बर्तन में, कांच की बोतल में भरकर रख देते हैं। तो इस प्रकार ये ट्रेडिशनल त्रिकट्टू फॉर्मूला तैयार हो जाता है। इसका सेवन भोजन करने से एक घंटे पहले करना चाहिए। आधा से एक चम्मच त्रिकट्टू चूर्ण को टमाटर जूस के साथ दो चिमटी की मात्रा में मिलाकर भी लेना उत्तम रहता है। ये त्रिकट्टू मिला टमाटर का रस सुबह खाना खाने के पहले लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी रोग से पीड़ित व्यक्तियों को त्रिकट्टू का उपयोग नहीं करना चाहिए। और हाँ, जानकारी के लिए, त्रिकट्टू जिसे त्रुष या व्योष भी कहते हैं, के चूर्ण को खाना खाने के एक घंटे पहले आधा से एक चम्मच लेकर शहद में मिलाकर चटनी की तरह बनाकर चाटा जा सकता है।